हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा क्रिएशन। निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर मैं आपके साथ एक नया आई शेडो पैलेट लेकर के आई हूँ हर बार की तरह। तो ये आई शेडो पैलेट की एक खासियत है गाइस, स्वीटसा क्या नाम है, एक आई शेडो पैलेट है जो शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और प्लीज गाइस, बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू वीडियो। तो गाइस, ये पैलेट बहुत ही स्वीट सा पैलेट है गाइस। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये पैलेट है एनके का पैलेट। ये गाइस देख रहे हैं आप, कितना छोटू सा पैलेट है गाइस। ये देखें, बहुत छोटा सा पैलेट है गाइस। ये देखें, यू कैन सी गाइस, कितना स्वीट सा है गाइस ये पैलेट। ये पूरा टोटली, ये देखें गाइस, बहुत इजीली आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं गाइस, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, आप कहीं भी डाल सकते हैं। तो गाइस, ये जो पैलेट है ये निक का आई शेडो पैलेट है। और इसके आपने देखे होंगे ज़्यादातर इसके जो शेड्स हैं वो इतने छोटे में ही आते हैं। और इसमें जो टोटल शेड हैं वो 9 शेड हैं गाइस। तो 9 शेड हैं और ये मुझे तकरीबन, इस पे जो प्राइस है वो 499 का है। मैंने इसे पर्पल से बाय किया था और मुझे ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइस। ये देखें, ये पूरा आप इसमें एक स्मोकी आईज हैं जो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें गाइस, देख रहे हैं ना गाइस, कितना स्वीट सा पैलेट है ये। जितना ही बाहर से है ना अच्छा, उतना ही अंदर से भी बहुत है, बहुत अच्छा पैलेट है गाइस। शेड्स हैं इसमें से 5 शेड ऐसे हैं जो पूरे पूरे एक चंकी जैसे, एक शिमर, लिटिल बिट शिमरिंग है। मतलब ये आप स्मोकी आई, सो आप इसको 110% इसको यूज़ कर सकते हैं उसमें। बाकी इसके जो 4 शेड हैं, चारों शेड पूरे प्रॉपर, मतलब पूरी तरीके से मैट है। मैं आपको इसके शेड दिखा रही हूँ, ये देखें आप, आपको खुद समझ में आ जाएगा इसके जो शेड्स हैं वो कैसे हैं। टोटली 9 शेड हैं गाइस। और जितनी ही इसकी पैकेजिंग बाहर से अच्छी है ना इसके, ये देखें, ये कहीं नहीं जाएगा, वैसे ही इसकी पैकेजिंग अंदर से भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छा पैलेट लगा, और फिर बुरा पैलेट नहीं है, बहुत ही अच्छा पैलेट है। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस पैलेट के लिए, जो आप इसको, इस पैलेट को प्लीज़ परचेस करें, एक बार यूज़ ज़रूर करें। तो दिखाती हूँ, ये वाला शेड देखें गाइस, ये देखिए आप इसका शेड देख रहे हैं, ग्लिटर का काम करेगा गाइस। आपको अलग से ग्लिटर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर ग्लिटर का काम करेगा आपके लिए। तो ये देखें आप, ये देखिए गाइस, देख रहे हैं आप, आपको ग्लिटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ग्लिटर का ही काम करेगा। ये देखें, वाओ यार, यू कैन सी गाइस, बिल्कुल बॉम है, जैसे ये पैलेट बॉम है ना बिल्कुल। इसके मतलब सारे शेड इतने ज़्यादा पिगमेंटेड हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर से अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको ज़रूर, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप जो लोग बिगनर हैं वो इसको प्लीज़ ज़रूर परचेस करें और इससे ही एक अच्छे अच्छे आई शेडो मतलब क्रिएट करना, आईज लुक क्रिएट करना सीखें। ये आपको हर तरीके का आई मेकअप करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ख़ासतौर से बिगनर के लिए मैं ये हाईली रिकमेंड करती हूँ। जो बिगनर होते हैं, जो अभी मतलब हाथ नहीं बैठता है, वो अच्छे से मेल्ट नहीं कर पाते हैं या अच्छे से क्या नाम है लगा नहीं पाते हैं, उनके लिए तो ये हाईली रिकमेंड है, बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है गाइस। और इसके ये शेड मैंने आपको दिखाया, मैं इसका सेकंड शेड आपको दिखाती हूँ, ये गाइस एक बार आप इसे लेके जरूर देखिएगा प्लीज। ये देखें, देखिए गाइस, आप देख रहे हैं शेड को, ये देखिए प्लीज़ गाइज, अगर आप इसको परचेस करते हैं ना तो आपको कोई भी ग्लिटर, मतलब ग्लिटर अलग से आपको ग्लिटर लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये लिख करके दे रही हूँ, आप इसको अगर ले लें, इसको परचेस कर लें, अपने पास रख लें इसे लेकर के, तो इससे आप कई तरीके के आईज मेकअप, आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके सारे शेड ही बहुत अच्छे हैं। ये तो थी बात इसके लिटिल बिट शिमरिंग की, बाकी मैं आपको मैट शेड भी दिखाती हूँ, इसके मैट शेड भी इसके गाइज बहुत अच्छे हैं। मैं क्या बोलूँ, आई लव इट दिस पैलेट गाइज। मेरा हाथ तो प्रॉपर भर गया, मैं कहाँ दिखाऊँ आपको, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए गाइज, ये लगता है। मैं कहूँगी आप प्लीज़ एक बार इसको परचेज़ ज़रूर कीजिए,
एक बार इसको जरूर लीजिए। इसमें बहुत सारे शेड आते हैं गाइज, ये जरूरी नहीं कि आप जिस तरीके का मतलब आप लुक क्रिएट करना चाहते हैं आप उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप ग्रीन परचेस करेंगे तो आपको सारे ग्रीन शेड मिलेंगे, ओवरऑल ग्रीन, कोई लाइट ग्रीन होगा, कोई डार्क ग्रीन होगा, कोई शिमरिंग में ग्रीन होगा, कोई मैट में ग्रीन होगा, लेकिन ग्रीन होगा उसका जो वो होगा वो आप बाहर से ही पहचान लेंगे। आप ये देख रहे हैं ये जो पैलेट का है, ये वाला गाइस, इसमें जो ये कलर आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी शेड है वो सब इससे मैचिंग है। अगर आपको यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है तो ग्रीन होगा अंदर, अगर आप इसको यहाँ पे बाहर ब्लू देख रहे हैं लाइनिंग में तो अंदर ब्लू होगा, अगर आप येलो देख रहे हैं तो येलो होगा। इसकी पहचान आपको यहीं से हो जाएगी, तो आपको इतना अंदर डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे आप आंख बंद करके भी परचेस कर सकते हैं, तो मतलब अभी बिगनर हैं जो लोग सीख रहे हैं आई मेकअप क्रिएट करना या पार्लर में मतलब अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस के लिए भी ले सकते हैं। ये इतना अच्छा पैलेट है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी आप लोगों को, प्लीज 249 में आप इसको जरूर परचेस करें। जब मैंने लिया था तो 249 का था गाइज, ये 50 रुपये शायद ऊपर नीचे हुआ होगा तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन अगर ये ऐसा है तो भी ये बुरा पैलेट नहीं है गाइज। बाकी आप देख ही रहे हैं, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहती है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ प्लीज गाइज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।